नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज की इस खास वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे कर्नाटक की राजनीति की, जो यहाँ कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की और आखिरकार बीजेपी को एक बड़ा झटका दे दिया। बीजेपी की हार ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी हाँ, किसी ने उम्मीद नहीं की थी, बीजेपी को भी पूरा कॉन्फिडेंस था कि कहीं ना कहीं कर्नाटक की जनता बीजेपी पर ही अपना भरोसा जताएगी, लेकिन आखिरकार जनता ने अपना फैसला सुना दिया और कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। अब ऐसे में डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच जो मुख्यमंत्री पद को लेकर तनातनी चलती हुई दिखाई दे रही है, लगातार इस बात को लेकर रेस है कि आखिरकार पार्टी के हाईकमान किस पर भरोसा जताएंगे। और ऐसे में आज हम अपनी खास रिपोर्ट में बात करने वाले हैं डीके शिवकुमार की पत्नी उषा शिवकुमार को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें कि जहां एक ओर कांग्रेस पार्टी में और राजनीति में डीके शिवकुमार अपनी एक खास पकड़ रखते हैं, एक खास पहचान रखते हैं, तो ऐसे में आखिरकार क्यों राजनीति से दूरी बनाए रखती हैं डीके शिवकुमार की पत्नी उषा, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं इस वक्त डीके शिवकुमार की। जी हाँ, आपको बता दें कि डीके शिवकुमार इस वक्त कर्नाटक की राजनीति में एक अहम रोल रखते हैं। जी हाँ, जिस तरह से कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की है, ऐसे में मुख्यमंत्री के तौर पर अब डीके शिवकुमार का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि अभी तक पार्टी के हाईकमान ने नए मुख्यमंत्री को लेकर के कोई भी फैसला नहीं सुना है। ऐसे में अब जानना ये जरूरी है कि डीके शिवकुमार के सीएम बनने को लेकर उनकी पत्नी उषा का आखिरकार क्या कहना है। तो आपको बता दें कि डीके शिवकुमार की पत्नी वैयू तो खुद को राजनीति से काफी ज्यादा दूर ही रखती है, लेकिन कांग्रेस की जीत और पति डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो कहती हुई नजर आई कि जो भी फैसला पार्टी के हाईकमान लेंगे वो सही ही होगा। इसी के साथ जब डीके शिवकुमार की पत्नी उषा से इस वक्त विवादों में घिरी फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस फिल्म का असर कर्नाटक की जनता पर नहीं पड़ने वाला। आपको बता दें कि डीके शिवकुमार की पत्नी उषा शिवकुमार गांधी परिवार को बहुत ज्यादा मानती है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि डीके शिवकुमार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंस चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक के कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार भी फंस चुके थे। इस दौरान गांधी परिवार ने डीके शिवकुमार की पत्नी और उनकी मां को काफी ज्यादा संभालने का काम किया था। ईडी ने जब दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी पेशी की तो इस दौरान गांधी परिवार ने उन्हें काफी ज्यादा संभालने का काम किया था। आपको बता दें कि इस बात को लेकर हमेशा उषा शिवकुमार काफी ज्यादा तारीफ करती हुई नजर आती है सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भी। दरअसल आपको बता दें कि जब डीके शिवकुमार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के दफ्तर में चक्कर काटते हुए नजर आ रहे थे तो इस दौरान राहुल गांधी ने डीके शिवकुमार का काफी ज्यादा साथ दिया था। इसीलिए डीके शिवकुमार की पत्नी उषा शिवकुमार गांधी परिवार को काफी ज्यादा मानती है, खास तौर पर राहुल गांधी को। यहां तक कि डीके शिवकुमार जब पत्नी उषा शिवकुमार के साथ गांधी परिवार से मुलाकात करने जाते हैं तो उनके बीच की बॉन्डिंग, उनके बीच का प्यार साफ झलकता है। कई बार मीडिया के सामने जब भी एक साथ नजर आए तो उनके बीच का प्यार दिखाई देता है। तो देखा आपने, ये थी डीके शिवकुमार की पत्नी उषा शिवकुमार, जो काफी ज्यादा राजनीति से दूर ही रहती है। लेकिन अगर बात करें गांधी परिवार की तो आपको बता दें कि उषा शिवकुमार का एक खास रिश्ता है, एक खास बॉन्डिंग है गांधी परिवार से। जो यहाँ सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी, तमाम सदस्य जो गांधी परिवार के हैं, उनके बारे में जब भी उषा शिवकुमार से सवाल पूछा जाता है तो वो काफी भावुक होकर जवाब देती है। यानी कि सीधे सीधे ये जाता है कि डीके शिवकुमार को जो इतनी महत्वता दी जा रही है कांग्रेस पार्टी में, उसके पीछे कहीं ना कहीं उषा शिवकुमार का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। अब ऐसे में इंतजार इस चीज का है कि आखिरकार पार्टी के हाईकमान नए मुख्यमंत्री को लेकर क्या फैसला सुनाते हैं। आज के लिए इस खास खबर पर इतना ही, बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।